हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एन जी एस क्लासेज में। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉरी जो कट ऑफ रहा है स्टेट वाइज एमटीएस का, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके तहत देखिए, ये आपका 2019 का कट ऑफ है ना, जिसका एग्ज़ाम आते थे, ये 20 कम्प्लीट होने के बाद ही कम्प्लीट हुआ था। तो ये देखिए क्या है, एमटीएस के बारे में बात करेंगे हम लोग, है नहीं। तो बाकी सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, तो हमें उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हम लोग को ये देखना है कि कितना कट ऑफ गया था अलग अलग स्टेट में, है नहीं, क्योंकि वेरी करता है हर जगह। तो इसमें देखिए, अब देखिए क्या है, इसमें कट ऑफ जो है डिटेल्स दे रखा है, 18 से 25 साल का है, इसमें जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से। और ये आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये जो है आपका स्टेट है, और जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक कोडिंग दे रखा है, जैसे IJ, ठीक है। जब फॉर्म अप्लाई करते हो तो आप देखे होंगे कि उसमें अलग अलग जो है ABCD करके ऐसे कोडिंग हुआ करती हैं, तो वो राज्यों के लिए कोड है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कट ऑफ गया था, ठीक है। तो सबसे पहले और आपका हम लोग सीधा ये देखेंगे कि इसमें जो है जो अनरिजर्व का कितना गया था, ठीक है। अनरिजर्व भी देखेंगे, यानी कि जनरल का कट ऑफ देखेंगे, बाकी का आप कम ज़्यादा तो वो देख ही रहे हैं, जैसे OBC का इतना है नहीं। और अनरिजर्व का ये देखिए बिहार का ही है, तो 82 है नहीं, लगभग 82.5, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अलग अलग स्टेट देखते चलेंगे कहाँ पे कितना कम या ज़्यादा कट ऑफ रहता है। तो अब उत्तर प्रदेश में हम लोग सब में बस UR ही देखेंगे, अनरिजर्व ही देखेंगे, बाकी जो है उसी हिसाब से आप समझ लेंगे, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश का लास्ट में दे रखा है, UP का इसका कोडिंग क्या था, J, और J का अनरिजर्व का कितना गया था, 75, ठीक है, 75 इसका कट ऑफ गया था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग और झारखंड, झारखंड का अनरिजर्व देखिए कितना चला गया था, 84, ठीक है, ये गया था 84। और आगे बात करते हैं ओडिशा में, तो ओडिशा में देखिए अगर देखना चाहेंगे SC का तो 71 है, और ये वेरी करेगा, तो कितना वेरी कर रहा है, ये देखिए ओडिशा का अनरिजर्व में वो 71 था, तो लगभग 73.5 है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देखिए उड़ीसा में कितना है, 73। और हम लोग लास्ट में ये देखेंगे कि सबसे कम कहाँ का गया है नहीं। तो आप अगर जहाँ जहाँ से पहले अपना पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले या मात्र वही डाले हों तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। बात करते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल का, कोडिंग M था, तो इसका अनरिजर्व जो है 75 गया था कट ऑफ। ये आमतौर पर अभी देखिए कुछ ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ गया था, कर्नाटक का अनरिजर्व देखेंगे तो वो 75 ही है, ये देखिए 75 अनरिजर्व, ठीक है। बाकी आप जैसे अगर जैसे ST SC वगैरह देखना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वेरी, इसमें SSC में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन अंतर तो होता है, ये भी बात सही है। और देखिए OBC का जो है ज़्यादा चला गया है, ये ध्यान से समझिए, अनरिजर्व की बात कर रहे हैं तो यहाँ OBC देखिए ज़्यादा है, अनरिजर्व से ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो यहाँ वहाँ मतलब यदा कदा जहाँ पे आपके जिस हिसाब से फॉर्म पड़ते हैं, अनरिजर्व लोग ज़्यादा जहाँ डाल देते हैं या OBC वाले जहाँ ज़्यादा डाल देते हैं, तो उस हिसाब से कट ऑफ भी वेरी करता है, ठीक। तो इसका कोडिंग 6 था। केरला की बात करें तो केरल में जो अनरिजर्व का 81, अब देखिए कट ऑफ बढ़ रहा है, 81 गया था, और OBC का 80, ठीक है, तो यहाँ तो चलिए ठीक है। आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ का जो है अनरिजर्व 75 है और OBC का 72 है, ठीक है। तो SC का आप देखेंगे तो 71 ही है, उस हिसाब से देखते चले जाएंगे। तो सारे छत्तीसगढ़ का इसका कोडिंग W हो रखा था। और उसके बाद मध्य प्रदेश का Y है, और इसका जो है आप देखेंगे, अच्छा EWS का जो है 77 गया है, और SC का तो आप 72 देख ही रहे हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में अनरिजर्व का, तो 80 गया है, 80 क्या उसको आप 80.5 मानिए, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, बाकी आप SC से ST से बिलोंग करते हो या
ओएस वगैरह जो भी आप आते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ईडब्ल्यूएस से आते हो आप ज़्यादा टारगेट रखेंगे अनरिजर्व को, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ने लगा एमपी में ज़्यादा है। अब बात करते हैं यदि असम की, तो असम का कोडिंग जो है क्यू हो रखा था और इसका जो है अनरिजर्व कितना हो गया था 71, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग मेघालय, मेघालय का कितना है एस है इसका कोड और इसका अनरिजर्व 70 गया था और बाकी ओबीसी 69 ऐसे ही कम करते हुए। देखिए इसका जो है एससी का ज़्यादा है ओबीसी से इस बार इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नागालैंड। तो देखिए नागालैंड में ऑफिस बात है मतलब आमतौर पे यहाँ पे कम होना ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या है आपका 70 है। पीडब्ल्यूडी वगैरह वाले हैं तो उनका देखिए तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप अनरिजर्व का ही देखेंगे तो 70 क्या 71 मान लीजिए, बाकी एसटी का 69 से ज़्यादा है और ओबीसी से जो है एससी आमतौर पर मैं देख रहा हूँ ज़्यादा रह रहा है। उसका जो है त्रिपुरा, त्रिपुरा का कोड क्या है वी है, तो इसका अनरिजर्व का 71 है। दिल्ली की बात करूँगा तो दिल्ली का आप देख रहे हैं एफ है और इसका अनरिजर्व 75 है, ठीक है। और राजस्थान का देखिए, राजस्थान का हमेशा कट ऑफ आप देखेंगे हाई ही रहेगा, राजस्थान का स्टार्ट हो रखा है ईडब्ल्यूएस का ही 81 से। तो अब कल्पना करते हैं कल्पना क्या है, यहाँ डायरेक्ट हम लोग देखते हैं क्या हो गया अनरिजर्व का 84, ठीक है। उत्तराखंड का एच है और इसमें अनरिजर्व का कितना है 72 नहीं आप 73 कहेंगे उसको, ये देखिए 73, ठीक है। आई होप आपको दिख पा रहा होगा, नहीं तो अगर और थोड़ा सा मैं ड्रैग कर सकता हूँ लेकिन ठीक है। देखिए इसका कितना है 73। अब बात करेंगे हम लोग चंडीगढ़, चंडीगढ़ का बहुत बढ़िया कट ऑफ जाएगा भाई और इसका अनरिजर्व का गया है 90, कितना गया जनरल वालों का 90 गया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 84, एससी का ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जा रहा है अभी जो है। अच्छा आप देख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ एससी से भी लो रह रहा है, कारण यह है कि अभी ईडब्ल्यूएस में लगभग सभी लोगों के जो है डॉक्यूमेंट्स बन नहीं पाए हैं, समझ रहे ना, इसकी वजह से लोगों की संख्या कम है। चलिए अच्छा हिमाचल प्रदेश का जो आप देखेंगे इसका देखिए बी दे रखा है हिमाचल प्रदेश का, ऊपर थोड़ा सा डी दे रखा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश का सिर्फ एसटी का ही था तो उसका तो 70 ही है। हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में 81 था जो ठीक है, बाकी ऐसा भी नहीं है औसत में एवरेज में है, ऐसा नहीं जम्मू कश्मीर है तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे पंजाब, पंजाब में तो भाई हाई जाना चाहिए तो श्योर है कि भाई हाई जाना चाहिए, तो ये 90 गया है पंजाब का, ठीक है। और आंध्रा का, आंध्र प्रदेश का कितना गया है उसका गया है 88 आप कहेंगे 87.5 है। उसके बाद हम तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पे भी हाई रहने वाली है कट ऑफ, तो तेलंगाना का अनरिजर्व कितना है भाई देखिए इसको मैं नोट डाउन करके बता सकता था लेकिन यहाँ आप ऑफिशियल पीडीएफ से देख रहे हैं तो थोड़ा समय आपका लगेगा लेकिन आप अच्छे से देख पाएंगे, और आपको लगे तो जहाँ पे आप स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप अपना पोज करके भी देख सकते हैं कि हाँ कहाँ से आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है उस हिसाब से किसका कितना गया है, ठीक है ना, आप अपना देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग पूरा ओवरऑल देख रहे हैं किसका कहाँ कम ज़्यादा गया है, तो तेलंगाना का 84 और एक चीज़ आप समझ पा रहे हो कि कम से कम जो है 70, 75 और 80 से नीचे का कोई माहौल नहीं बन रहा है, ये चीज़ आप महसूस कर रहे होंगे। अच्छा पुडुचेरी और तमिलनाडु की बात कर लेंगे तो पुडुचेरी और तमिलनाडु में ध्यान से देखिए अनरिजर्व की बात करेंगे तो 72 गया है, ठीक है ना, इसका कोड 5 था। और दमन और दीव की बात करें तो 2 ही था अनरिजर्व में, इसका 76 गया था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग गुजरात दादर और नगर हवेली की बात कर लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपका अनरिजर्व का 76 गया है 76। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है यही रखा जाए, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का 67 गया है कट ऑफ, ठीक है।
और अभी भी बिहार, सबसे बड़ी बात तो हमें बिहार का देखना था। तो बिहार और उत्तर प्रदेश, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, अब जो है ये थोड़ा सा वेरी करेगा उम्र के हिसाब से, समझ रहे ना। और कट ऑफ जो है डिटेल्स ऑफ वैकेंसी जो है एज ऑफ ग्रुप जो है 18 से 27 साल के मामले में, और आप ये देख पा रहे हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ माहौल है। तो अब यहाँ पे फिर से शुरू हो जाएगा, तो ये एज ऑफ एज के हिसाब से फिर यहाँ पे कट ऑफ शुरू हो गया। तो ओवरऑल आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जो है आपको 80 के आसपास जो है, 75 से 80 के आसपास आपको और रॉ मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तेलंगाना देखिए 84, ये सब जो है एज आप के एज के अनुसार भी यहाँ पे थोड़ा सा वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और इसको आप देखेंगे तो ये देख लीजिए क्या लिखा है। सब्जेक्ट्स में मल्टीटास्किंग, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019, और डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ 9551 एडिशनल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन, मतलब जितने थे लगभग 9,500 के आसपास थे। तो इन पेपर फर्स्ट टू अपेयर इन पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आमतौर पर एस ए का होता है। तो रिजल्ट ऑफ पेपर वन ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ जो भी है 2019 और 2019 वाज डिक्लेयर्ड बाय अ कमीशन ऑफ ऑफ 5/11/2019 और बेयरिंग 1/11 जो भी इसका कैंडिडेट्स मतलब उसमें जितने आए थे तो उतने क्वालिफाई किए, कितने मतलब 111,162 कैंडिडेट ने, और इसको जो है टोटल कितना था और 9,500, और कितने क्वालिफाई किए हैं 111,162 कैंडिडेट इसको क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। अब क्या है डिस्क्रिप्शन आगे दे रखा है कुछ, फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस हैव बीन ऑब्जर्व इन रिजल्ट ऑफ पेपर वन ऑफ द सेट एग्जामिनेशन, जैसे एक सर्विस मैन कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सर्विस सर्विसेंस वर नॉट कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अंडर एक सर्विस मैन कैटेगरी। तो फिलहाल इससे हमसे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पे जैसे कट ऑफ ऑफ वैकेंसीज इन एज ऑफ ग्रुप 82 से 25 ईयर्स, तो इसका फर्स्ट में दिखाया गया और उसका 18 से 27 का अलग दिखाया गया है, ठीक है। तो जैसे एज का जो है छूट वगैरह मिला था उस हिसाब से, तो ये है ए के मंडल जो उस समय जो है सेक्रेटरी रहे हैं जो भी हैं, उन्होंने इस पर सिग्नेचर वगैरह अपना किया है। तो ये आपका कट ऑफ था, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखेंगे जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद जय भारत।